विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 111 122 225 इक्वल्स, इसे क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। कैलकुलेटर नॉट अलाउड, ध्यान रहे यहाँ पर विदाउट कैलकुलेटर इसे सॉल्व करना है। तो इसमें क्या जो अंदर का जो रेडिकेंट पार्ट है उसे हम अगर लेट किया हम एक्स इक्वल्स 111 122 225 स्क्वायर रूट एक्स इक्वल्स क्या होता है, इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। अगर हमें इसे स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो अंदर का जो पार्ट है रेडिकेंट, ये पार्ट को हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हमें निकालना है। सबसे पहले हम ये रेडिकेंट का वैल्यू देखेंगे। तो रेडिकेंट क्या है, एक्स है, एक्स इक्वल्स, बाद में हम इसका वैल्यू देखेंगे, एक्स इक्वल्स 111 122 225। 111 122 225 बिग नंबर है तो इसे हम x इक्वल्स ऐसे लिख सकते हैं, 111 टाइम्स कितने बार, कितना डिजिट है, 6 डिजिट है, यानी 6 डिजिट्स आगे रखो 3 4 5 6 प्लस से कर दो 122 225 एज सपोर्ट कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप में 111 एज जो रखो तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स, 6 टाइम्स है तो 10 to the power of 6 रख दो, तो इसके साथ सेम ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दो, 222 225 है, इससे मैं 222 220 + 5 कर सकता हूँ, 222 220 + 5 मीन्स 222 225, ये और ये दोनों सेम ही हो रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 111 to the power ये मल्टीप्लाइड विथ 10 to the power of 6 सेम, प्लस इसमें क्या करें, 222 220 है, इसे मैं 222 2 टाइम्स 10 to the power of 1 लिखता हूँ, तो ये 222 220 बनते हैं, प्लस आगे का 5 7। और नेक्स्ट स्टेप में ये 111 सेम 10 to the power of मल्टीप्लिकेशन है सेम, तो इस 222 2 है तो इसमें 2 हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो 111 1 यानी 5 times 1 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है 10 to the power of 1 प्लस 5 7, ठीक है। तो यहाँ पर 111 है, यहाँ पर 111 1 है, यानी 1111 है, यहाँ पर 11100 आने वाला है। तो इस 111 को हम ऐसे यहाँ करेंगे x इक्वल्स, इस 111 को ऐसे करेंगे 9999 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 9 किया, तो 9 से 9 को 99 को डिवाइड किया तो 111 आता है। तो ये पार्ट क्या हुआ, 9999 डिवाइड बाई 9 हो गया, मल्टीप्लिकेशन है तो 10 to the power of 6 सेम प्लस, ओके सेम। इसके जैसे अगर लिखना है तो यहाँ पर 111 5 यानी 5 times 11 है, 5 times 1 है, तो इसे हम 9999 5 times 9 लिख लो, डिवाइडेड बाई 9 कर दो, तो ये भी 111 1 ही होता है। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, 10 to the power of 1 आगे का सेम और 5 also सेम। इस 9999 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 9999 है, इसे 10,000 लिखेंगे, 10,000 इसमें माइनस अगर 1 किया तो 9999 ही बनते हैं, ये डिवाइडेड बाय 9 है, ये आज वेल पुट करेंगे इधर, राइट। तो ये हो गया 9999 डिवाइडेड बाय 9 का वैल्यू इंटू 10 to the power of 6 सेम रखेंगे, प्लस यहाँ पर 2 times, यहाँ पर भी 99999 है तो इसमें 99,000 में तो 1 lakh होते हैं, राइट, माइनस 1 कर दो, डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी 9 कर दो, तो ये सेम ही बनते हैं, मल्टीप्लाइड विथ 10 to the power of 1 प्लस यहाँ पर 5, इस 5 याद जो रखो। तो अभी x इज इक्वल टू यहाँ पर 10 to the power of यहाँ पर 10,000 को 10 to the power of 4 लिख सकते हैं, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स 10 to the power of 6 मल्टीप्लीकेशन, प्लस 2 इंटू 10 to the power of यहाँ पर 5 हो जाते हैं, ये माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 to the power of 1 प्लस, यहाँ पर देखो ये टर्म में डिवाइडेड बाई 9 है डिनोमीटर में, यहाँ पर भी डिनोमीटर 9 है लेकिन यहाँ पर ओनली 5 है, राइट। तो इसे भी अगर 9 अगर लाना है तो 9 ला सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन विथ 9 करना पड़ेगा, तो ये दोनों कट हो गया, तो रिमेनिंग सेम 5 रहेगा। अभी ये 9 लेने की वजह से तीनों टर्म में 9 हो गया, तो हम एलसीएम आसानी से 9 हम ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर इस टर्म में देखो
टेन टू द पावर ऑफ फोर माइनस वन डिवाइड बाई नाइन टाइम्स टेन टू द पावर ऑफ सिक्स है, तो इन दोनों को ये टेन टू द पावर ऑफ सिक्स से दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, टेन टू द पावर ऑफ फोर इंटू टेन टू द पावर ऑफ सिक्स मीन्स टेन टू द पावर ऑफ फोर प्लस सिक्स, यानी हमें आइडेंटिटी मालूम है। यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ एम इंटू ए टू द पावर ऑफ एन अगर रहा तो ए टू द पावर ऑफ एम प्लस एन बनते हैं प्रोडक्ट रूल, तो सेम टेन टू द पावर फोर इंटू टेन टू द पावर ऑफ सिक्स माइनस टेन टू द पावर ऑफ सिक्स के साथ वन मल्टीप्लिकेशन कर दो डिवाइडेड बाई नाइन, एज यूजुअल ये इसका हो गया, तो प्लस टू टाइम्स यहाँ पर टेन टू द पावर ऑफ फाइव माइनस वन इंटू टेन टू द पावर ऑफ वन है, तो टेन टू द पावर ऑफ फाइव टाइम्स टेन टू द पावर ऑफ वन माइनस टेन टू द पावर ऑफ वन टाइम्स वन डिवाइडेड बाई नाइन, राइट, प्लस यहाँ पर फाइव नाइन जर फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई ए नाइन, एज यूजुअल अभी ये रूल यहाँ पर अप्लाई कर दो, यानी प्रोडक्ट रूल इसके अंदर अप्लाई किया तो x इक्वल्स टेन टू द पावर ऑफ फोर इंटू टेन टू द पावर ऑफ सिक्स मीन्स टेन टू द पावर ऑफ टेन बनते हैं माइनस टेन टू द पावर ऑफ सिक्स एज यूजुअल डिवाइडेड बाई नाइन एज यूजुअल, प्लस यहाँ पर क्या आता है टू टाइम्स टेन टू द पावर ऑफ फाइव इंटू टेन टू द पावर ऑफ वन मीन्स टेन टू द पावर ऑफ सिक्स बनते हैं माइनस टेन टू द पावर ऑफ वन एज यूजुअल डिवाइडेड बाई नाइन आल्सो एज यूजुअल, प्लस यहाँ पर फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई नाइन सेम, तो x इक्वल्स यहाँ पर डिनोमीटर में नाइन है, यहाँ पर डिनोमीटर नाइन है, यहाँ पर डिनोमीटर नाइन है, बीच में ये पॉजिटिव साइन है तीनों टर्म के बीच में, तो नाइन हम यहाँ पर नाइन कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, कॉमन सॉरी एलसीएम बोलो, तो नाइन से डिवाइड किया तो ये ऊपर क्या रहेगा टेन टू द पावर ऑफ टेन माइनस टेन टू द पावर ऑफ सिक्स रहेगा, प्लस यहाँ ये साइड में क्या रहेगा टू टाइम्स टेन टू द पावर ऑफ सिक्स माइनस टेन टू द पावर ऑफ वन रहेगा, प्लस यहाँ पर ओनली फोर्टी फाइव रहेगा, तो क्योंकि डिवाइडेड बाई नाइन तो हमारे पास नीचे हम लिए सो एक्स इक्वल्स टेन टू द पावर ऑफ टेन सेम लिख लेंगे और ये माइनस टेन टू द पावर ऑफ सिक्स भी लिख लेंगे, इसके साथ टू से मल्टीप्लिकेशन है तो टू टाइम्स टेन टू द पावर ऑफ सिक्स हो जाएगा, ये प्लस में है टू टाइम्स टेन टू द पावर ऑफ सिक्स और ये माइनस प्लस माइनस माइनस टू टाइम्स टेन टू द पावर ऑफ वन, राइट, प्लस फोर्टी फाइव अलग से डिवाइडेड बाई नाइन, ठीक है, एक्स इक्वल्स टेन टू द पावर ऑफ टेन एज यूजुअल रखो, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस टेन टू द पावर ऑफ सिक्स प्लस टू टाइम्स टेन टू द पावर ऑफ सिक्स, ये कैसा है माइनस ए प्लस टू टाइम्स ए के जैसा है, तो माइनस ए प्लस टू टाइम्स ए माइनस ए प्लस टू टाइम्स ए प्लस ए करते हैं तो माइनस ए प्लस ए गया तो ओनली ए रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस टेन टू द पावर ऑफ सिक्स प्लस टू टाइम्स टेन टू द पावर ऑफ सिक्स में अगर ये समेशन किया तो ओनली पॉजिटिव टेन टू द पावर ऑफ सिक्स रिमेनिंग रहेगा, राइट, तो नेगेटिव टाइम्स यहाँ पर टू टाइम्स टेन टेन मीन्स ट्वेंटी बनते हैं प्लस यहाँ पर आगे का फोर्टी फाइव एज यूजुअल ए डिवाइडेड बाई नाइन आल्सो से एज यूजुअल, टेन टू द पावर ऑफ टेन है इसे मैं टेन टू द पावर ऑफ फाइव होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो टेन टू द पावर ऑफ फाइव इंटू टू मीन्स टेन टू द पावर ऑफ टेन ही बनते हैं, पावर यूज कर दो, प्लस इस टेन टू द पावर ऑफ सिक्स को मैं टेन टू द पावर ऑफ फाइव टाइम्स टेन टू द पावर ऑफ वन लिखता हूँ, राइट, तो सेम ही होते हैं और इस माइनस ट्वेंटी प्लस फोर्टी फाइव मीन्स प्लस ट्वेंटी फाइव हो जाएगा डिवाइडेड बाई नाइन आल्सो सेम, यहाँ पर देखो इस टेन टू द पावर ऑफ वन है तो इसे हम ऐसे लिखेंगे एक्स इक्वल्स टेन टू द पावर ऑफ फाइव होल स्क्वेयर एज यूजुअल प्लस टेन है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है फिर टू इंटू फाइव करेंगे टू मल्टीप्लाइड विथ फाइव टाइम्स टेन टू द पावर ऑफ फाइव हम लिख सकते हैं इसे, टू फाइव जरा टेन सेम ही होते हैं और ये फाइव को फाइव स्क्वेयर लिखेंगे तो ट्वेंटी फाइव बनते हैं डिवाइडेड बाई ए नाइन एज यूजुअल, तो इस एक्स इक्वल्स यहाँ पर देखो टेन टू द पावर ऑफ फाइव होल स्क्वेयर, ये टेन टू द पावर ऑफ फाइव होल स्क्वेयर टेन टू द पावर फाइव अगर ये समझ लिया तो ये स्क्वेयर बनते हैं प्लस टू टाइम्स, अगर बी इक्वल्स फाइव समझ लिया तो ये टू टाइम्स बी टाइम्स ये बनेगा प्लस ये स्क्वायर बनते सॉरी बी स्क्वायर बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इज टेन टू द पावर ऑफ फाइव है तो ये स्क्वायर मीन्स टेन टू द पावर ऑफ फाइव मीन्स ये स्क्वायर हो गया प्लस टू टाइम्स ये बी है क्योंकि बी इक्वल्स फाइव समझ लिया लेट किया तो ये टू टाइम्स ए इंटू बी मल्टीप्लाइड विथ
बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मीन्स इसका वैल्यू क्या क्या आ रही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के आर्गेट फॉर्म है, राइट। यहाँ पर ए इज 10^5, तो 10^5, बी इज क्या है 5 है, तो 5 ये होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई ये 9 है, एक रिमेनिंग है क्वेश्चन। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर 9 है तो इस 9 को हम एक्स इक्वल्स 10^5 प्लस 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 9 को भी मैं 3 स्क्वायर करेंगे, तब ये बनता है 10^5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर बनता है, राइट। यहाँ पर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर है, तो ये ए डिवाइडेड बाई बी होल स्क्वायर बनता है, तो ये बन गया x का वैल्यू 10^5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3^2। यहाँ पर हमें ये x का वैल्यू मिल गया, ठीक है। हमारा टास्क क्या है, रूट x का वैल्यू में निकालना है, तो स्क्वेयर रूट x, अब ये स्क्वेयर रूट लगाएंगे, इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट, अब ये x का वैल्यू है 10^5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर, ये पुट करेंगे। अभी हम आसानी से यहाँ पर स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर निकल सकते हैं, तो रूट एक्स इक्वल्स स्क्वेयर रूट एक्स इक्वल्स यहाँ पर 10^5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। 10^5 मीन्स कितना होता है, 10,000 होते हैं, राइट, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, तो स्क्वेयर रूट एक्स इज इक्वल टू 4×0 = 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो कैसे हो सकते हैं, देखो यहाँ पर 3×1 = 3 वन आ गया, 3×3 = 9 10 आ जाएगा, 3×3 = 9 इसमें 10 आ जाएगा, 3×3 = 9 इसमें 10 आ जाएगा, 3×3 = 9 इसमें 1 आ जाएगा, 15 हो जाएगा, 3×5 = 15 33,335 डिवाइड बाई 1 हो गया, ये हो गया स्क्वायर रूट एक्स इक्वल्स 33,335। स्क्वेयर रूट एक्स मीन्स 11 11 22 22 25, ये रूट एक्स हो गया, इस इक्वल टू इसका आंसर क्या आ रहा है 33,335 यानी 33,335। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।